female infertility, long menstrual cycle and short menstrual cycle. क्या आपकी menstrual cycle बहुत ज्यादा छोटी है? क्या छोटी या बहुत बड़ी menstrual cycle बांझपन का सबब बन सकती है? मुकम्मल मालूमात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से। नाज़रीन, आज का मौजूद बहुत ज्यादा अहम है और ख़वातीन इस मसले की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहती है और इस मसले की वजह से बहुत सी फीमेल को कंसीव करने में प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। नाज़रीन, आज मैं बात करूंगी ख़वातीन में छोटी मेंस्ट्रुअल साइकिल की और लॉन्ग मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। बताऊंगी कि औरत के पीरियड्स बताते हैं कि औरत की बच्चादानी कितनी हेल्दी और कितनी अनहेल्दी है। हर ख़वातीन की मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत मुख्तलिफ होती है। कुछ ख़वातीन की मेंस्ट्रुअल साइकिल छोटी होती है और कुछ ख़वातीन की लंबी मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। ये दोनों सूरतों में इरेगुलर साइकिल है। अगर औरत की साइकिल 21 दिन से कम है तो इसका मतलब है कि औरत की मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ज़्यादा छोटी है। यानी अगर औरत को पीरियड्स एक या दो दिन के होते हैं और ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा कम है तो ये छोटी साइकिल की अलामत है। अगर औरत के पीरियड्स एक या दो दिन आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि बच्चादानी ज़्यादा सेहतमंद नहीं है और यूट्रस की वॉल भी ज़्यादा मजबूत नहीं है और ना ही थिक है। अगर ये थिकनेस कम होगी तो जब अंडा स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है तो ये बच्चादानी की वॉल के साथ अटैच हो जाता है। अगर ये वॉल बहुत ज़्यादा थिन होगी तो इसमें प्रेगनेंसी को मुकम्मल करने की ताकत नहीं रहेगी और मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा छोटी मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओविलेशन के बाद वाले पीरियड छोटा होता है और प्रेगनेंसी के लिए ये पीरियड बहुत ज़्यादा अहम होता है क्योंकि इसमें प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। इसके बाद लॉन्ग साइकिल के बारे में बताऊंगी। ये साइकिल 35 दिन या इससे ज़्यादा की होती है और ये इस वजह से होती है कि औरत की ओविलेशन नहीं होती और ना ही प्रॉपरली एग्स रिलीज होते हैं और कुछ ख्वातीन में अंडा बनता ही नहीं। इस वजह से ख्वातीन के पीरियड्स में प्रॉब्लम आता है और इसे कई महीनों तक पीरियड्स नहीं आते या फिर अगर पीरियड्स आते हैं तो इन पीरियड्स की साइकिल 35 डेज की होती है। लॉन्ग मेंस्ट्रुअल साइकिल या शॉर्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन दोनों सूरतों में औरत को कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ऐसी ख्वातीन को चाहिए इस मसले से निजात के लिए प्रॉपर इलाज करवाएं। अब मैं हर्बल तरीका इलाज के बारे में बताती हूँ। इन तमाम मसाइल और इनकी वजूहत को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के माहिरीन हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, नेबी औलादी के मशहूर रूहानी मुआलिज हकीमों डॉक्टर तारिक महमूद तासीर के सरपरस्ती में मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद ख्वातीन के पीरियड्स के तमाम मसाइल के खात्मे के लिए बेहतरीन इलाज मुतारिफ करवाया। ख्वातीन के लिए ये इलाज बेहतरीन नतायज का हामिल है। तासीर दवा खाने का ये इलाज औरतों में हार्मोन्स को मतवाजन रखता है। वो ख्वातीन जिनको मिस्ड पीरियड्स का प्रॉब्लम है, ये तमाम अंदरूनी निजाम पर कुदरती तरीके से असरअंदाज होकर माहवारी को रेगुलर करता है जिससे औरत को कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। तासीर दवा खाने का हर्बल इलाज ओवरीज में मौजूद फॉलिकल्स को कुदरती तरीके से बढ़ाता है जिससे औरत को माहवारी भी आती है और अंडे प्रॉपरली रिलीज होते हैं। वो ख्वातीन जिनके ओविलेशन नहीं होती, इस इलाज की बदौलत इन ख्वातीन में अंडे भी बनते हैं और ओविलेशन भी प्रॉपर होती है। ये इलाज स्ट्रेस को खत्म करके औरत को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद बनाता है। तासीर दवा खाने का ये इलाज मुकम्मल तौर पर गुजरती है और इसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये इलाज औरत के मसाइल को खत्म करके आपकी औलाद को खुश शक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल कदोकार के साथ जन्म देने में मुआवन है। ये कुदरती तरीके से माँ और बच्चे की सेहत को बरकरार रखता है जिससे बच्चे की इम्प्लीटेशन बेहतर तरीके से होती है। वो तमाम ख्वातीन जो माहवारी या बांझपन के शिकार हैं या जिन ख्वातीन के बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं, वो तासीर दवाखाने का हर्बल इलाज जरूर आजमाएं क्योंकि तासीर दवाखाना पूरी दुनिया में औलाद के हुसूल के लिए जामन है और बहुत से बेऔलाद जोड़े तासीर दवाखाना से इलाज करवा कर आज एक पुरसकून और खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। अब मैं ख्वातीन को कुछ एहतियाती तदाबीर बताती हूँ। तमाम गर्म तेज मसाले वाले खानों से परहेज करें। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल तय कर दें। खाने में सब्जी और फलों का इस्तेमाल लाजमी करें। जिंक से भरपूर खुराक का इस्तेमाल करें। स्ट्रेस से जिस हद तक हो सके खुद को दूर रखें। खुशगवार और पुरसकून माहौल में रहें। इसके मुताबिक मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवा खाना विजिट करें और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें रब्ता करें। तमाम वो ख्वातीन जो किसी वजह से क्लिनिक नहीं आ सकती, वो अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप करके तमाम अद्वियात घर बैठे मंगवा सकती हैं। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।